नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप जिसकी पिक्चर देख रहे हैं वो एक गूगल के द्वारा बनाया गया डूडल है। कहते हैं कोई आपको याद रखे ना रखे, गूगल ज़रूर याद रखता है। तो आज गूगल ने इनको याद किया है। इनका नाम है डॉक्टर कमल रणदिवे। जानते हैं इनके बारे में। तो आज गूगल ने डॉक्टर कमल रणदिवे के सम्मान में एक डूडल बनाया है। और ये डूडल जो बनाया है वो उनकी 104वीं जयंती के अवसर पर बनाया गया है। डॉक्टर कमल रणदिवे को कैंसर और उनके शोध के लिए जाना जाता है। डॉक्टर कमल रणदिवे को यह डूडल जो है एक भारतीय कलाकार इब्राहिम रईन ताकत द्वारा बनाया गया है। और जान लेते हैं हम डॉक्टर कमल रणदिवे के बारे में कुछ बातों को। तो डॉक्टर कमल रणदिवे का जो जन्म हुआ था वह 8 नवंबर 1917 को पुणे में पैदा हुई थी। उनके पिता ने उन्हें मेडिकल एजुकेशन के लिए प्रेरित किया, लेकिन वो बायोलॉजी में ही जाना चाहती थी। डॉक्टर कमल रणदिवे एक बायोमेडिकल शोधकर्ता थी। उन्होंने कैंसर और वायरस के बीच संबंध पर शोध कार्य किया। सन 1973 में रणदिवे और 11 सहयोगियों ने वैज्ञानिक क्षेत्रों में महिलाओं के समर्थन करने के लिए भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ IWSA की स्थापना की थी। डॉक्टर रणदिवे और 11 सहयोगियों ने वैज्ञानिक क्षेत्रों में महिलाओं के समर्थन करने के लिए भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की जो स्थापना है उन करी गई थी। 1960 के दशक में बम्बई में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर में भारत की प्रथम टिश्यू कल्चर रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना करी थी। और उन्होंने अपने जीवन काल में कैंसर और कुष्ठ रोग पर 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उन्हें वर्ष 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ में ही उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सिल्वर जुबली रिसर्च अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डॉक्टर कमल रणदिवे के बारे में, जो कि गूगल के द्वारा एक डूडल बना के उनको सम्मान में उनको याद किया गया है। धन्यवाद।